नमस्कार आदाब, मैं हूं तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे पास है भाई रेनॉल्ट की क्यूट, और क्यूट के अंदर हम करने वाले हैं बहुत सारा काम भाई, कम से कम कुछ नहीं तो अच्छे रहेंगे। तो भाई इसका सामने का प्लेयर हमने खोल लिया है जिसका ओरिजिनल था, और इसके अंदर लगाने वाले हम एंड्रॉयड प्लेयर। ये इसका फ्रेम है एंड्रॉयड का, और जो कंपनी से आता है फ्रेम वो नीचे रखा हुआ। बाकी बात करें इसके अंदर पावर विंडो की, तो फ्रंट डोर तो पावर विंडो यहाँ पर स्विच आता है, रियर डोर का पावर विंडो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करिए। और वायरिंग आप देखेंगे सामने पूरी वायरिंग है, ठीक है। और पीछे ये आरसी लीड, ये तीन आरसी लीड जा रही है, ये वाली अपने कैमरे की है, ये दोनों ही अपने एम्पलीफायर की, और एम्पलीफायर जो लगाने वाले हैं वो 4 चैनल है। बाकी बात करी जाए पीछे की, तो पीछे हमने इंस्टॉल करी इसके अंदर पावर विंडो। ये आप देखेंगे किस शेप के इसके अंदर पावर विंडो लगाइए, जो अपनी वो है वारंटी, इसका स्विच है। बाकी वर्किंग तो है, ये देखेंगे आप ये पावर विंडो वर्किंग में। पीछे लगाया हमने कैमरा, इसका ये कैमरा था भाई ये लगा हुआ आया था, उसको बंद कर दिया है, और इसका नया कैमरा इंस्टॉल कर दिया है। कहाँ बोरा कैमरा नीचे लगा हुआ क्या, ये लगा कैमरा नीचे, इसको बंद कर दिया, उसको चालू कर दिया भाई अपन ने। और बाकी पीछे बात करें तो ये लगाए सोनी के स्पीकर ओवल शेप में, ठीक है भाई। और ये इसकी वायरिंग, तो ट्रे भी नहीं लगाई है पूरी। अब चला जाए अंदर, अंदर आपको दिखाता हूँ मैं चल के। अभी तो बहुत सारा काम है इसके अंदर, एम्बियन लाइट भी लगेगी, K4 इसके अंदर लगेगी एम्बियन लाइट। अभी फराज भाई हमारे लगा रहे हैं डोरों पे स्विच के बॉक्स, ये आप देखेंगे स्विच के बॉक्स कसा रहे हैं अभी। और ये रही पावर विंडो जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है की सेप की, वन ईयर की वारंटी के साथ में, ठीक है भाई। पुरानी केसी हमारी पड़ी है खुल के इधर ये, और इसकी जो पावर विंडो है फ्रंट डोर से भी ऑपरेट होगी। फ्रंट डोर का ऑपरेट का ये रहा है स्विच बॉक्स, स्विच कहाँ है इसका, इसका स्विच तो गाड़ी में लगा रखा है मैंने, इसका स्विच गाड़ी में लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे। तो ये फ्रंट डोर पे से भी अपनी पावर विंडो ऑपरेट होगी भाई, तो यहाँ से भी अपनी पावर विंडो ऑपरेट होगी। बाकी इसके अंदर हमने हेडलाइट बल्ब भी चेंज करे, ये देखेंगे आप रोशनी वाइट कर दी है, ठीक है भाई। इसमें जो अलग बल्ब आए थे वो हमने निकाल दिए, बाकी वाइट वाले इसके अंदर लगा दिए एलईडी। फोकली में भी चेंज करेंगे अभी, तो फोकली पार्किंग बल्ब भी वाइट लगा देंगे ना इसके अंदर। और ये रहा इसका बॉक्स जो लगाया हमने ओसराम की, ओसराम इसके अंदर लगाई हमने एलईडी, ठीक है भाई। ये भी कर दिया फिट, ये भी कर दिया फिट। अब हमारा सर एंड्रॉइड प्ले लगना बाकी है, और बुफर लगना बाकी है, बुफर भी उसके अंदर इंस्टॉल करने वाले, वो भी आपको दिखाते हैं। और एम्पलीफायर कौन सा लगने वाला है वो भी दिखाएंगे, क्यों फरज भाई। अब भाई इसके अंदर लगाने वाले हम लोग लिनोवा का एंड्रॉइड प्लेयर। लिनोवा का आपने लैपटॉप देखा होगा, कंप्यूटर देखा होगा, अब लिनोवा ने लॉन्च कर दिया भाई अपने एंड्रॉइड प्लेयर भी, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ये आप देखेंगे इसकी 2 साल की वारंटी है लिनोवा की भी, ठीक है भाई। इसमें भी क्या क्या फीचर है सब आपको बताएंगे, पहले इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा एंड्रॉयड प्लेयर जो लगवाया होगा, जिन्हें लगाया होगा, कि बहुत से एंड्रॉयड प्लेयर में ये यूज़र मैनुअल नहीं आता है। लिनोवो ने पूरा यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, इसके अंदर पूरी एंड्रॉयड के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, ये आप देखेंगे तो पूरा इसके बारे में दिया है। मेन मेन्यू ऑपरेशन ऑपरेटन ऐप मेन्यू, आप किसे ऑपरेट करना है, ब्लूटूथ कनेक्शन, ये सब इसके बारे में जानकारी दी गई है इसके अंदर, ठीक है भाई। इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ के भी आप पूरी सेटिंग कर सकते हैं। बाकी प्लेयर मैं दिखाऊं खोल के, तो ये भाई ये नॉर्मल एंड्रॉइड प्लेयर जो आता है उससे थोड़ा सा चौड़ा है, ये आप देखेंगे तो, और इसका आउटपुट भी बहुत तगड़ा है। तो इस चक्कर में थोड़ा प्लान चेंज हो गया हमारा, क्योंकि इसका आउटपुट अच्छा तगड़ा आएगा। तो इसके अंदर हमने जो है एम्पलीफायर 4 चैनल की जगह 2 चैनल यूज़ करना है, जो कि सोनी का है, ये आप देखेंगे। हाँ तो इसका सोनी का हम लोग लगा रहे हैं 2 चैनल एम्पलीफायर, और जो बूफर जो लगा रहे हैं बूफर भी हम सोनी का लगा रहे हैं 1800 वाट, जो कि पीछे लगा दिया डिग्गी में, ठीक है भाई। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो भाई ये रहा हमारा सोनी का 1800 वाट बूफर, जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है ये पूरे बॉक्स के साथ में, ठीक है भाई। तो उसका पूरा वायरिंग वगैरह करते हैं, उसका साउंड आउटपुट आपको सुनाएंगे। तो भाई यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड प्लेयर हो चुका है पूरा फिट, ये आप देखेंगे तो झकाझक
पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर पूरा फिट कर दिया हम लोगों ने। बाकी एम्पलीफायर ये रहा हमारा सोनी का 500 वाट सोनी एक्सप्लोड, उसको डालते अंदर ठीक है, पीछे से सही कर देंगे पूरी वायरिंग वायरिंग इसकी। बाकी पीछे मैंने बुफर आपको दिखाई दिया था, ये डल रही है वायरिंग अभी एम्बिएंट लाइट की, अभी इसके अंदर एम्बिएंट लगाएंगे। कार्डिक के 4 अभी टापा खुला हुआ, टापा कसना बाकी अभी तो यहाँ का, तो टापा आपा कसते हैं इसका, वायरिंग वगैरह करते हैं। और बाकी भाई इसके अंदर लगा है मिरर, ये आप देखोगे पीछे से क्या हेडलाइट की रोशनी आती है तो इस कांच में आँखों में लगती है, लेकिन ये कांच आपने लगा दिया एक्स्ट्रा अलग से, सीधा ये इसके ऊपर हैंग हो जाता है ऐसे करके ये लग गया, ये कांच लगाया इसके अंदर मिरर अपन ने, ठीक है भाई ये फिट कर दिए मिरर। और हाँ पीछे के डोर पे भाई हमने लगाया ग्लास होल्डर, ठीक है यहाँ तो ग्लास होल्डर है, पीछे वाले के बेचारे कहाँ रखेंगे ग्लास, तो पीछे वाले की जुगाड़ लगा दी हमने, वो भी दिखाता हूँ आपको जुगाड़ के खतरनाक लगाइए। बाकी फिर इसका सॉन्ग वॉन्ग बजाएंगे, फिर गाने वाने बजाएंगे, फिर आपको बताएंगे, मतलब गाना तो बज रहे हैं, मैंने म्यूट करके रखा है, ये गाने बज रहे हैं म्यूट करके रखा है, कॉपी राइट आ जाएगा। प्लाज भैया प्लाज भैया ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर काम वाम कम्प्लीट करने के बाद, इमेलेट अंदर दिखाते हैं आपको कैसी क्या फिट हो रही है। चला जाए शोरूम के अंदर, ओके भाई ठंड लग रही है यहाँ बैठे बैठे, तो अंदर चल के दिखाया आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई ये लगा दिया अपने ग्लास होल्डर, ए बड़ा हो जा, बड़ा हो गया ये, बड़ा हो गया ये, छोटा हो गया ये, थोड़ा सा खींचना पड़ेगा उसको, बड़ा हो जाएगा यहाँ से, ये ग्लास गया ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। बाकी ये स्विच लगा, पावर विंडो स्विच लगेगा इसके अंदर, और ये लग रही है कार्डिक के 4 हमारी एम्बिएंट लाइट, ठीक है भाई ये कार्डिक का डब्बा, कार्डिक के 4 ये देखोगे आप, के 4 और ये कार्डिक, ठीक है भाई ये लगाते हैं इसके अंदर। बाकी तो भाई यहाँ पे हमारी गाड़ी लगभग कंप्लीट होने वाली है, और बाकी आगे एलईडी हमने लगा दी फोकले में भी और हेडलाइट में भी, और एम्बिएंट लाइट भी हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देखेंगे ये हमारी एम्बिएंट लाइट और ये एटमॉस्फेयर लाइट, अभी तो मल्टी कलर में चल रही है जो कि हमने कार्डिक के 4 की लगाई है। इधर भी आप देखेंगे ये डोर अभी बचा है, ठीक है बाकी ये देखेंगे कब से शानदार लग रही है भाई, हाँ कर लो स्टार्ट कर लो, देखेंगे आपको बहुत ही मस्त लग रही है भाई, आगे भी दिखाऊँ तो देखो गाड़ी घुमा करके निकल गई यार, बड़ी शानदार ये देखो भाई, ठीक है ना मस्त एकदम झमाझम। ये फायर वायर स्क्रू कस रहे हैं, स्क्रू स्क्रू कसने के बाद बाकी पैक करते हैं, तो भाई डोर में पैक करेंगे, बाकी फिर आपको दिखाते हैं गाना चला के बजा के, ठीक है ना भाई, तो वीडियो में बनी रहिएगा, तो पूरा पैक करते हैं उसका दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई यहाँ पे हो चुकी है हमारी गाड़ी पूरी कंप्लीट, ये आप देखेंगे यहाँ पे हमने लगा दी है एम्बिएंट लाइट, नीचे लगी हमारी एटमॉस्फेयर लाइट, बाकी प्लेयर वगैरह सब फिट हो चुका है, और आपको हम लाइट जला के भी दिखाते हैं, उसके बाद आपको गाना भी सुनाएगा एक एनसीएस सॉन्ग। ये देखिए भाई चालू हो गई है एम्बिएंट लाइट, ये हमारी एम्बिएंट लाइट चालू हो चुकी है, नीचे एटमॉस्फेयर लाइट चालू हो चुकी है, ठीक है भाई। बाकी इसके अंदर अभी और काम बाकी है, यहाँ पे स्टैंड कवर स्टिच होगा, सीट कवर लगेंगे, ऊपर की छत का कपड़ा चेंज होगा, इसमें भी लाइटें लगेंगी स्टार लाइट जो आती है, ठीक है, और भी बहुत सारा काम अभी बाकी है जो कि नेक्स्ट वीक होगा, अभी सारा सामान जो है सीट कवर जो अभी ऑर्डर बनेंगे इसमें एक वीक लग जाएगा, ठीक है भाई, एक हफ्ते बाद दोबारा फिर काम करेंगे, उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी सुनिए आप एनसीएस सॉन्ग, और ये लगाया हमने इसके अंदर आर्मरेस्ट, ये आप देखेंगे रेनगार्ड का मोनो भी लगा हुआ इसके अंदर, ये भाई स्पेस इसके अंदर, ये ग्लास होल्डर, पीछे मोबाइल स्टैंड, यहाँ मोबाइल रखा जाएगा आपको, मोबाइल कार्ड जो रखना पड़ सकते हैं, यहाँ बोतल रख लो या ग्लास रख लो, और ये स्पेस, बाकी हमने यहाँ पे भी लगाया था ग्लास होल्डर, ये आप देखेंगे बड़ा भी हो जाएगा छोटा भी हो जाएगा, ठीक है भाई, तो ये लगा दिया, आप सुनिए एक एनसीएस सॉन्ग बढ़िया तरीके से जो हमने साउंड लगाया इसके अंदर, बोलो बड़ा भैया the way melody.
तो भाई ये साउंड था गाड़ी का, जब मैं साउंड सेटअप पूरा लगाया इसके अंदर, और ये काम था, बाकी काम नेक्स्ट वीक होगा। अब यार डाले सीट कवर, बाकी इसकी बताऊँ मैं हेडलाइट, तो हेडलाइट भाई आप ये देखेंगे तो हेडलाइट चालू हो चुकी है, ये डीपर है और ये अपर है, ये आप देखेंगे। और इसके फोक लैम्प भी आपको दिखाऊँ, पहले बंद करता हूँ हेडलाइट, फिर खोलता हूँ ये फोक लैम्प इसके, और ये फिर ये हेडलाइट और ये अपर, ठीक है भाई। बीच में खंभा है यहाँ पे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, बाकी बहुत तेज लाइट आपको दिखाता हूँ अंधेरे में ले आके। प्ले कर दिया। अब यहाँ देखेंगे आप तो ये अपनी ये हो गई भाई फोक लैम्प, ठीक है। ये फोक लैम्प के बाद ये अपनी हेडलाइट और ये अपर, ये देखेंगे आप तो ये अपर, डीपर, ये बंद और ये फोक लैम्प, ये फोक लैम्प भी बंद, ये फोक लैम्प चालू, ये हेडलाइट चालू, ये डीपर पे है और ये अपर पे। चलो भाई तो ये काम था जो हमने किया है गाड़ी के अंदर। अगर आपको भी आपकी गाड़ी में काम कराना है बिल्कुल आप आ सकते हैं इंस्टाकार डेकोर एंड एसेसरीज, जो कि एम पी नगर जोन 2 में भोपाल में। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लोकेशन मोबाइल नंबर दोनों डाल दूंगा भाई। वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद का बाद बंद कर दो रिवर्स कैमरा। ये रिवर्स कैमरा भी है भाई, रिवर्स कैमरा लगाया था, क्लियर आ रहा है, बहुत क्लियर है। चलो।